नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ नौजवान लोग को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो है अनाउंसमेंट की है। तो बता दें, इसका जो आवेदन रहेंगे वो ऑनलाइन रहेंगे। बता दें, स्नातक यानी कि UG, परास्नातक यानी कि PG, टेक्निकल और डिप्लोमा यानी कि BTEC और डिप्लोमा के नौजवान इस योजना के साथ जो है जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है, सरकार के स्तर पर 3000 करोड़ रुपए की लागत की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। तो देख सकते हैं 3000 करोड़ रुपए की जो है जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे कि आवेदन कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। तो पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे क्या कह रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो मुख्यमंत्री जी के अभी आपने मुख से सुना कि 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ जो हमारे यहाँ के नौजवान है उनको जो है टैबलेट और स्मार्टफोन जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है दिया जाएगा। आ जाएगा तो बता दे फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ये फॉर्म दोस्तों आपको मिलेगा रोजगाररिजल्ट.com पे, मैं आपको दिखा देता हूं। रोजगाररिजल्ट.com के आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में देखेंगे यूपी फ्री स्मार्टफोन स्कीम 2021। बता दें अभी इसके आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जो जानकारी अभी आई है संभावित जानकारी वो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो है क्या क्या होने वाला है। जो आवेदन होगा उसकी कोई भी फीस नहीं होगी, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन रहेगा, फॉर्म की कोई भी शुल्क नहीं रहेगा। यानी आप नॉर्मल मोबाइल से किसी भी साइबर कैफे से इसको भर सकते हैं। अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और जो इसमें एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी दी थी वो अभी आपने सुना मुख्यमंत्री जी के मुख से कि आपके पास UG हो, PG हो, टेक्निकल हो या डिप्लोमा हो तो आप कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही लोग जो है आवेदन में जो है वो रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। और लेकिन एक शर्त रहेगी कि जिनको भी टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा उनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना जरूरी है, यानी आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने फॉर्म में सारी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड है, आपका नाम है, पिता का नाम है, आपका एड्रेस है, आपका निवास है। ये सारी जानकारी, क्योंकि अभी इसका जियो नहीं आया है तो जियो आने के बाद ये और जानकारी जो है अपडेट हो जाएगी। वापस चलते हैं आपको उस वाले पेज पे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो सुन लेते हैं और क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। तो ये चीज आपने सुनी कि उनको जो डिजिटल एक्सेस है ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि वो भी जो है फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस निधि में एक प्रावधान होगा कि हम CSR से भी, अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं से भी हम इसमें राशि लेकर के एक बड़ा कोष का गठन करेंगे। हम लोगों ने तो आप लोगों ने देखा कि क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें और भी काफी कुछ अभी इम्प्लीमेंट होगा। तो जैसे ही जियो आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप रोजगार रिजल्ट के इस पेज से जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।